मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारे कल्याण की बात करता हूँ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमारी दुनिया जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है उसमें ना जाने कितनी सारे ईश्वर की योजनाएं व्याप्त हो चुकी है। ईश्वर की कोई भी योजना उसमें नज़र नहीं आती। मानव अपने लिए स्वयं योजनाएं बनाता जा रहा है जिससे उसका जीवन आरामदायक बन सके, लेकिन क्या ये योजनाएं या ये जो आविष्कार मनुष्य कर रहा है सचमुच में उसके लिए लाभदायक है? एक बात की सोचे तो ज़रूर है, लेकिन पूर्ण रूप से उन आविष्कारों पर टिके रहना या समझौता कर लेना हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। अगर उदाहरण के लिए हम लेंगे तो आज हम काम में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, बिजी हो गए हैं कि हम अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल नहीं कर पाते। आज कुछ उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, आज हमारे पास समय नहीं है कि हम खाना पका कर खाएँ, इसलिए कई सारे लोग जाकर बाज़ार से जो पका पकाया खाना है वो खरीद कर लाते हैं और घर में सिर्फ गर्म करके खा लेते हैं। क्या वह हमारे लिए लाभप्रद है, स्वास्थ्यकारी है? तो इसका आज की इस उदाहरण का सुसमाचार से क्या जुड़ाव है? मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के शुरुआती वाक्य में मैंने कहा कि प्रभु स्वयं कहते हैं मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारे हित की बातें करता हूँ, तुम्हारे कल्याण की बातें करता हूँ। और सचमुच में प्रभु ने जब ये सुंदर सृष्टि हमको बनाकर दी तो उसमें सब चीज़ का ख्याल रखा, सब चीज़ का, कैसे हमारा शरीर हर एक जो मौसम है उसमें बर्दाश्त कर ले और उसके अनुसार इंसान अच्छे से जीता रहे। लेकिन आज हम अलग अलग विकल्पों को ढूंढते हैं और जो प्राकृतिक चीज़ है उनको आज हम लोग आर्टिफिशियल चीज़ों में बदल देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कुछ सब्जियों को देखें, कुछ फलों को देखें, पुराने ज़माने में केवल वो कुछ मौसम में मिलते थे, लेकिन आज साल भर हर एक फल हमको मिलता है। ना जाने उन फलों में क्या क्या केमिकल्स डाल के उन्हें उगाया जाता है, जिनको हम अपने विज्ञान के शब्द में हाइब्रिड बोलते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वास्तव में ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में हमारे स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाती है। और आज का सुसमाचार भी कुछ इसी प्रकार की बातें करता है। जब यीशु और यूहन बपतिस्ता लोगों को अच्छाई सिखाने के लिए, अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करने आए तो लोग उनके व्यक्तिगत अनुभवों को या आचरण को देखकर उन पर अभियोग लगाने लगे। जब यूहन बपतिस्ता को देखा गया वो खाता नहीं पीता नहीं तो उसे कहा कि इसे अवधूत लगा है। और जब यीशु उनके बीच में रहकर अच्छाई का काम कर रहे हैं तो यीशु को वे कहते कि ये तो पेटू है। तो जब भी कोई अच्छाई हमको सिखाई जाती है या परिवर्तन हमसे मांगा जाता है वो हमेशा कठिन होता है, और इस परिवर्तन को अगर हम हमारे जीवन में लागू कर सके तो हमारे लिए जीवन जीने का एक आधार बन जाता है। तो आज का सुसमाचार हमें इसी बात के लिए प्रेरित करता है कि प्रभु हमारे हित के लिए ही काम करता है, कल्याणकारी योजनाएं बोलता है। हर सारी चीज़ ईश्वर ने जो प्राकृतिक रूप से हमको दी है वो हमारे लिए अच्छी है, स्वास्थ्यदायक है। अगर हम अपने सृष्टि का अच्छा अच्छा इस्तेमाल करें तो हम ज़रूर अच्छे से इस संसार में जीवन बसर कर सकेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे पूर्ण व्यक्तित्व को जानता है। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या आगे में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे सृष्टि माता के गर्भ में आने से पहले तुमको जानता हूँ, तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं पहले से ही निर्धारित है, क्योंकि प्रभु हमारी रग रग से वाकिफ है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा कर्तव्य क्या है? जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, प्रभु की बातों को जानते हैं, तो उन बातों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। ना केवल समझना, उनके ऊपर चलना भी ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर हम प्रभु की बातों को, योजनाओं को अपने जीवन में पालन करेंगे तो प्रभु की भरपूरी आशीष हमको मिलेगी। और यही आगमन काल भी हमें करने के लिए बुलाता है। हम तैयारी क्यों कर रहे हैं? ताकि ना केवल बाहरी रूप से हमारे घरों को या जगहों को सुंदर बनाएं, बल्कि आंतरिक रूप से भी हमारा हृदय
प्रभु को अपने जीवन में स्वागत करने के लिए तैयार हो जाए। तो आज हमारे लिए सुनहरा मौका है, इन दिनों का हम योग्य रीति से इस्तेमाल करें और प्रभु का नाम हर समय धन्य करते रहें, क्योंकि वही हमारा सृष्टिकर्ता और प्रभु है। आइए इस कृपा के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन।